इसके अंदर नहीं करते, किसी पतीली शतीली के अंदर डाल के वॉश करते हैं। क्या हो गया, अम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, अगले घर जाके काम करना पड़ता है। टैग ये प्याज अपन से ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्याज होता है ना, ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। हाँ तो रुक यार, ये क्या कर रहे हैं, क्या भंड भंड बता, काफी है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। औरतें ऐसे नखरे करती हैं, ड्रामे करती हैं, घर में खाना नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता। एक मर्द होकर मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, आप लोगों को देखो जरा, मेरे को देखो सब पूछ पूछ के। एक दिन का नशा है। पकौड़े कैसे हैं? ऐसा क्रिस्पी बनाया ना आपने, यकीन। सालन भी ठीक है, आपको ऐसे पसंद आएगा। फ्रूट चाट कैसी है? वो तो मैंने बनाई है, कैसी हाथों मेरे लगे है ना, मजा ही खाएगी। नहीं नहीं, और जनाब यहाँ पर जो है ना दाल इन्होंने कंकर शंकर चुन लिए और अगले घर जाके काम करना पड़ता है। चलो गाइस पतीली में डाल देते हैं, आज पहला दिन है हमारा, तो इस वजह से इतना पता नहीं था। चलो आपने बता दिया, पता रखो बॉस, काम खराब नहीं करने का। भैया देखिए अभी इसको दाल को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अच्छे बच्चे बन के काम कर रहे हैं, पता चले ना इनको कितने 20 का 100 होता है। ये यहाँ से हम इनको कुकर पकड़ाएंगे, कुकर, क्योंकि बछिया का गोश्त कुकर के बगैर तो गलेगा नहीं बॉस। ये लो कुकर की सीटी लगा लोगे, वो मैं लगा के दूंगी। भाई सारा आता है मेरे को, ठीक है, मैं करता भी लग जाऊं। उड़ा मत देना हमें कुकर के ऊपर रख के, सारा आता है मेरे को। क्या कह रही हो, सारे काम आते हैं मेरे को। चल फिर हल है, मैं चली हूं अंदर, रील एंजॉय कर। मैं मजाक कर रहा हूं यार, मैं चली हूं अंदर, पीछे का मजाक कर रहा हूं यार। मैं चली हूं बॉस, मेरे को सब कुछ आता है यार। थोड़ी आप मेरी हेल्प तो करोगी ना, ठीक है, मुझे अभी उस हिसाब से नहीं आता, थोड़ी हेल्प तो करो। चलो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूं कि बर्फ जो है ना वो पानी ठंडा होने के लिए रख देती हूं। मेरी मतलब वो भी रख दो आप। सो गाइस पानी जो है ना ठंडा होने के लिए रख देती हूं, इनकी मदद कर देती हूं, इतनी इतनी बड़ी है। ओहो, a few moments later, पर मखलू अबे बस कर रहे यार बस, ये कौन सा किलो गोश्त है, किलो गोश्त। तो गाइस कुकर में मैंने, ठीक है, कुकर में मैंने ठीक है डाल दिया गोश्त, अभी गोश्त को बॉईल करने के लिए जाना। मैं ये कैसे बंद कर रहे हैं, बंद करके बताओ, मैं बॉईल करने के लिए रखूंगा। एक मिनट, ऐसे नहीं 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 नहीं, इसको दूसरी तरफ करके यूं करके इसको प्रेस करते हैं। हटो यार, प्रेस करो जोर का, जोर का प्रेस करके घुमाओ, फटा मत देना यार, तुम पता नहीं क्या करेंगे। गाइस सही हो गया, हाँ ये सही हो गया, पहले चूल्हा तो जला रहे बाबू, देख लो गैस आ रहा है। हाँ गैस आ रहा है, गैस कर रहा है, गैस आ ही रहा है। तो चलो बस किचन भी साथ साथ समेटते जाना, बेड़ा गर्क मत करना। स्टाइल देखा आपने मेरा, बड़े शेफ हूँ, पता चल गया होगा मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ। कुकर को रख दिया है, गैस चला दी है, आज जैसा खाना बनाओ मेरा रेसिपी आपने, ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, रेसिपी सारी मेरी कॉपी करनी है, जब ऐसी दाल गोश्त बनेगी ना हद हो जाएगी। अभी तो इम्तिहान बाकी है मेरी जान, किधर पड़ी है किधर नहीं पड़ी पता नहीं, ये घर की महारानी है, सारा कुछ पता है, तो अभी काटेगा कौन, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ये मेरी जान लेके आए, प्याज लेके आओ, ये अपने पास आधार आ चुके हैं, देखिएगा कटिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग ऐसी करूंगा, यकीन करे हद हो जाएगी, लड़कियां परेशान हो जाएंगी, ये भाई ने काम कहां से सीखा है। ओह माय गॉड, वाओ, भाई के अंदर ठीक है बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं निकालता नहीं हूँ कभी कभार, क्योंकि मैंने अगर ये काम सारे करने स्टार्ट कर दिया ना तो ये डेली ऑर्डर मेरे को ही बोलेगी, लेकिन एक दिन आपके हाथ पर मैंने कट डाला। प्याज मैं तुमसे इसलिए कटवा रही हूँ ताकि फिर बाहर जाके वापस आके प्याज मेरे मथे ना लग जाए, किलो काटो। चलो अभी प्याज काट दो। तो गाइस सच पूछो, बड़ी मुशक्कतें हो रही हैं, देख लें आप लोग, बड़े प्याज श्याज छीले जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है अंदर जो है ना महान किसी बंदी की आत्मा आई भी है। तो गाइस देखो ये जो प्याज काट रही होती है ना, ठीक है, रो रही होती है, अस्तग़फ़िर अल्लाह, हमारा रोज का काम है गाइस, ये गलत बात है। नहीं अपन को देखो कोई आंसू की अथरू भी नहीं, अपन तक अटैक, ये प्याज अपन से ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्याज होता है ना ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। ये क्या चावल है, तो हमें भी समझ नहीं। मैंने अक्सर ठीक है आप लोगों को समझ आई, मैं बता दूं वो बात क्या है, मैंने ऐसा सुना है कुछ औरतें बोलती हैं मियां एक प्याज की तरह है, ऊपर से लेयर उतरती जाएगी, अगली लेयर नहीं नीचे अलग होगी, उतरते लेयर उतरती अगली लेयर नीचे नहीं होगी, ऐसा मैंने सुना है। वो भाई आप लोगों के बहरूपों के बारे में बात करते हैं, कि आप लोगों के जो है ना बहुत से रूप हैं, आप लोगों के, आप लोगों को कोई समझ नहीं सकता।
ऐसी बात नहीं करो। हाँ मतलब मर्दों को कोई समझ नहीं सकता, इनकी जो है ना एक छिलका उतारो ऊपर से और नया निकल आता है, नया रूप निकल आता है। ये है ना जिस तरह प्याज की लेयर होती है, एक जो है ना वो ज्यादा पर्पल नीचे का रंग और उससे नीचे झिल्ली ये वो, तो हमें पता नहीं होता कि मर्दों का जो है ना दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे वो वाला हिसाब है, मगर ये तुम्हारे बारे में बात नहीं है, तुम्हारा मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब यार ठीक है, मैंने तो मिसाल दी है कि हमें हमारी आंखों में ये पानी नहीं लेके आ रहा, क्योंकि एक मर्द ये अब छिलका उतारा यार, अभी तुमने अभी इसको काटोगे तो पता चलेगा। ये नहीं बात सुन, ये काफी है इतने प्याज और बस वो तुमने क्या, ये प्याज बहुत महंगा है, बहुत महंगा 260 रुपए जो है ना किलो है। अभी मुझे बताओ किस हिसाब से काटू, मैं बारीक बिल्कुल करूँ या दूसरा करूँ, बताओ बिल्कुल। वो मास्टर शेफ आप हो, आपको नहीं आप बताओ ना किस तरह से चूरा चूरा कर दो। नहीं चूरा चूरा नहीं करो, ऐसे चॉप करो से ऐसे कटा 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 ऐसे। ए बिड़ू एक प्याज मैं तेरे को काट के दिखाती हूँ, उस हिसाब से कर। आया बड़ा मास्टर शेफ का बच्चा। छुरी को ऐसे पकड़ने यूं, इसको पकड़ने यूं, ऐसे रख के चल आज पकड़ हो गया, समझ आ गया, समझ आ गई, पकड़ लो ना कर ले तो पकड़। A few moments later गाइस ने मुझे सिखा दिया प्याज काट के कैसे, देखिए ये सारे तरीके आते हैं, देखिएगा अपना भाई का दमाल देखिए। ये इतना इतना मोटा फड़का हो जाएगा जो गले का भी नहीं है, मेरी तो आंखों में चुभ रहा है, प्याज चुभ रहे यार, नजर नहीं आ रहे, देखो आंखों में चुभने लग गए। बोला ना ठीक है ये मेल है, प्याज एक मेल है, प्याज एक मेल है, तुमने तो इसका खेल बनाया चमत्कार। सबसे पहला काम, सेकंड काम मैंने कर दिया था। A few minutes later क्या हो रहा है यहाँ पे जरा बताया ना, मुंह करके मेरी जान जो आप कर रही हो मैं कर रहा हूँ, मुझे बताओ अदरक कितनी डालूं। अदरक जो है ना ये डालने है, इसके अंदर थोड़ी सी और काटनी है, इतनी उंगली ना मेरी पूरी कर देना, छील के डालने का बॉस, छील के डालने जी, क्या मतलब ऐसे डालना है, सारे काम आते हैं माशाल्लाह, शुक्र है फुल बंद नहीं होता चलता मेरी हेल्प कर रही है, आधा क्रेडिट इसे भी दिया जाएगा, मेरी हेल्प के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों चलो तुम्हारा क्रेडिट है रे, मसला नहीं है। अच्छा ये कितना करना है बता दो, ये क्या बंद क्यों हो गया? अच्छा भैया ने आता नहीं दिया जाएगा, जब मामा बुला के खाना बनाएंगे उनका बाबा आधा हेल्प करेगा। और गाइस आ गए हम लोग बाजार में, और अभी हम लोग फल फ्रूट की तलाश में निकले हैं, कौन सा जो है ना फ्रूट कहाँ से अच्छा मिलेगा देखें जरा, कुछ केले नजर आ रहे हैं और हमें जो है ना तरबूज भी चाहिए, तरबूज आजकल जो है ना बहुत एक खास चीज़ है जो आपको कई मौके मौके से अच्छी मिलती है, क्यों जी इसमें भी किस्में अलग अलग, तो अभी जो है ना हम लोग देखते हैं कहीं केले नजर आ रहे हैं हमें, कहीं पपीते हैं, कहीं जो है ना ये खकड़ी जिसे कहते हैं खरबूजा भी कहते हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं हमें भी बताएं ना जरा, कौन से भाग से जाके फ्रूट खरीदोगे? तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, धूप जो है ना काफ़ी मीठी मीठी है, जितनी कड़क नहीं है, है ना ज़्यादा कड़क नहीं है, तो गाइस देखते हैं हमें कौन सा फ्रूट कहाँ से मिलता है। तो चलो आप लोग जब तक जाके सब्सक्राइब करो और हम लोग नजर मारे फ्रूट के ऊपर, कौन सा फ्रूट कहाँ मिले। A few moments later. Hello जी हमें वो बीच में नहीं हो रहा है, तलावा ना वो ना। हाँ सही है चलो। तो इधर से भाई का रेट चल रहा है 150 रुपए, हमने 140 रुपए डाल दिया है। देखो हाँ बार्गेनिंग कर ली है उन्होंने आज, ऑनलाइन के बजाय जाना पहली बार्गेनिंग कर ली है। और गाइस देखो तरबूजा खरीदे जा रहे हैं, कितने किलो का ले रहे हो आज? 2 किलो का लिया था, कितने किलो का ले रहे हो? चलो जी किस्मत का सौदा देखते हैं क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये सेकंड हाँ हम लोगों ने सेकंड बहुत अच्छा था, मजा करा मीठा था, अभी दोबारा देखते हैं क्या निकलता है इसमें से, लॉटरी खुल रही है, लॉटरी खुलने लगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह सही अंदर से भी देखने सही है माशाल्लाह गुड है। अपनी फिर जब यहाँ से गुजरते हैं अपनी जवानी ताजा करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पर देखें यहाँ पर जो है ना इन्हीं के साथी जो है ना वो खेल रहे हैं क्या क्रिकेट खेल रहे हैं और बाबर आजम बनने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है देखें मैच लगा हुआ गाइस सही है, आपका भी दिल चाह रहा होगा बिलाल साहब? हाँ दिल चाह रहा है, दिल ना चाहे तुम्हारा, क्योंकि ना तुम जब भी यहाँ पे आते हैं ना तो भूल जाते हैं कि बीवी बच्चे घर पे छोड़ के आए हो, हंसो मत तुम। अच्छा तो गाइस यहाँ पे मैच चल रहा है, देखें टीम का जो है ना रेड बॉल का हार्ड बॉल का मैच, कौन सा हार्ड बॉल? हाँ तो ये हमें नहीं पता कौन से बॉल का मैच चल रहा है, और इनका दिल बहुत किशोरी हो जाता है जब जब यहाँ पर आते हैं, इनके अंदर का मन का बच्चा फुदकने लग जाता है, कहता है कि भैया हमको भी यहाँ पर आने दो, मगर हम भी एकदम जालिम बंदा, हम कहते हैं नहीं हम नहीं आने देगा,
अभी कहाँ जा रहे हो यार तुम? अपने मकसद से मत हट जाओ। स्ट्रॉबेरी लेने क्यों आए हम? ग्राउंड क्रॉस करके सड़क से हमें मुश्किल लग रहा है। तो चलो गाइस देखें कौन सी स्ट्रॉबेरी के पीछे ग्राउंड में से गुजर के आए। स्ट्रॉबेरी ले लिया हम लोगों ने, एक पाव मीठी 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 ले लिया। और केला कैसे दे रहे हो? डेढ़ सौ रुपए इतना महंगा क्यों है केला? ऊपर वाला 200, नीचे वाला ये मतलब जैसे जैसे उन्होंने ऊपर नीचे रखे हुए गाइस उसी तरीके से ना उन्होंने महंगा सस्ता किया हुआ है। सही है, 150 लगा रहे हैं। 250 का केले है भाई अम्मा। और गाइस ये दूसरी दफा हुआ है जब भी हम इस फ्रूट वाले भाई के पास आते हैं वो पता नहीं क्यों डर जाते हैं। हाँ जब भी हम इस फ्रूट वाले भाई के पास आते हैं ना हमेशा ये डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब हमने क्या छापा मार दी, वो कैमरे को देख के डर जाते हैं गाइस। और अभी भी वो कह रहे हैं कि भैया हम जो है ना आपसे डर गए, पता नहीं क्यों। हमारे कौन से सीन निकल आए गाइस बताओ। मुझे कह रहे थे भाई आप चीकू भी ले जाओ, दो अमरूद भी तो ले जाओ। मैंने कहा भाई दो फ्री फ्री चीजें ले जाओ। नहीं यार नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमने पैसे लेने तो नहीं चाहिए, हमें व्लॉगिंग करनी है। वो कैमरे को देख रहे थे लोग, फिर से ग्राउंड में घुस गए। ग्राउंड में घुस के इनको अपनी जवानी के दिन याद आ गए और आंखों में मेरे सूरज पड़ रहा है। देख लें आप लोग भी सूरज ऐसे पड़ रहा है और आंखें मेरी हैं बंदा ना मुझे गिरा देगा, मैं इसके सर में मार दूंगी, मैं बता रही हूँ। देखो जरा तंग कर रहे हैं, देखो कैसे उछाल उछाल के लेके जा रहा है, गिरी पड़ी होंगी। पतंग है ना, उड़ाओ अल्लाह का वास्ता है भाई, पतंग होने पड़ी गोलगप्पे लेने के लिए, क्योंकि मुस्तफा साहब का आज रोजा है और जब जब वो रोजा रखता है ना तो उसने एक स्यापा मचाया होता है कि भाई हमें गोलगप्पे खाने हैं। मतलब एक टाइम आएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इसने अपना पेट खराब कर लेना है, ठीक है। और आप लोगों को नजर आ रहे हो खैर से बिलाल साहब वो कोने में घुसे हैं, ठीक है। तो रश बहुत ज्यादा है और हमारे ना यहाँ पे एरिया के फेमस गोलगप्पे वाले, उनके गोलगप्पे बहुत मजे के होते हैं। तो खैर मैं बहुत वालेकुम अस्सलाम, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इनके उस पर गोलगप्पों के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसे क्या कहते हैं अपना मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि रोज़ा है, बहुत रोज़ा है। और बिलाल साहब वहाँ पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, मुखिया मार रहे हैं। और अभी जो है ना हमारी टाइमिंग जो है ना नज़दीक लग चुकी है, क्योंकि कितने 4 बज चुके हैं, नहीं 4 नहीं 5 बज चुके हैं। चेक करो ये नुस्ती की मारी हुई, ऊपर ही लेके आ गया तुम तो। ये नुस्ती की मारी हुई ठीक है, बाहर से आई और थकी मारी हुई आई है, हिसाब लगाया सही देखो। हाँ मैंने अजारे करके काम ये ऐसे नहीं बोला। आज ये नकरानी बनी हुई थी खुद, ये हमारी बाई बनी हुई थी, क्योंकि इसकी आज हेल्पर नहीं आई तो इसे हुब रूम्बा काम होने ठीक है सारे। आज देखो आज इसकी तो अच्छा, आज एक मजे की बात बताऊँ, देखो आज इसकी ठीक है कुछ बचत हो गई, क्योंकि आज मेरे से इसने चैलेंज खेला हुआ था, खाना अगर इसे बनाना पड़ता तो आज पता चलता। तो गाइस तेरी बात कुछ ऐसी है, बात सुने, टाइम बहुत कम है, देखिए टाइम हो चुके हैं 5:30, मतलब के हमारे पास तकरीबन 1 घंटा 20-25 मिनट रह चुके हैं। तो अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो बाहर से हम लोग तरबूज लेके आ चुके हैं, तरबूज में हाँ 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 आपका फेवरेट है तरबूज का, आपको ड्रिंक बना के दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग। हम 2 ओरेंज लेके आ चुके हैं, ये गोलगप्पे मुस्तफा के लिए, दही लेके आए हैं, उसके बाद स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरी, उसके बाद सेब, उसके बाद केले, ये सारा कुछ लेके आए, साथ में सारा कुछ आपका भाई बनाने वाला है, तब बुद्ध बनाने वाला है। तो चलो ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं, आज नेक्स्ट काम थोड़ी मेरी हेल्प करो ना थोड़ी सी, मैं ये ना आपको मिर्च मसाला मैं ज्यादा कर दूँ, आज आज मेरी जान मिर्च मसाला मैंने ज्यादा कर दिया, तो आपको पता मैं तो लाइट मिर्च मसाला खाता हूँ, ज्यादा कर दिया तो आपको मसाला मसाला हो जाए। आओ तो गाय ये देखो थक चुकी है, थक मर चुकी है ठीक है। तो अभी अभी किचन की तरफ आते हैं, तो ये ठीक है हमारी दाल जो ठीक है, इसमें पानी डाला हुआ था मैंने, सूख चुकी है। अब इसको क्या करना है, सुखाना नहीं है इसको, अब आपने ऐसा करना है कि पतीले में लेके इसने रखना है इधर उबलने के लिए। तो मेरे को भाई पता है, मेरे को भी ठीक है, क्या हो गया पता है, तो वो क्या पड़ी पड़ी मास्टर शेफ को ऐसी बात तो नहीं करो हमारे घर ना। तो अभी तो ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ, दाल रखने लगा हूँ बॉइल करने के लिए। ये देखे जी आज तो बड़ा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ये, मेरी बैटरी लो हो गई है बॉस। ये देखो आज दाल ऐसी बनाऊंगा, दाल को ऐसा बनाने वाला ना, ऐसा बनाना कि दोबारा हम खाएं ना ना, ना परेशान हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी की बात करता हूँ आपको, देखिए गाड़ी मेरे को ये कर रही है, लेकिन जो टेस्ट होगा ना वो मेरे हाथों का टेस्ट होगा। क्यों हाथ घोल के हो गए बीच में, ऐसा मत करना हम नहीं खाएंगे। पर जो है ना ये देख लो ये अपनी तरह से शेफ बन गई, ये चूल्हा इन्होंने ऑन किया और फूक मारी, और अभी जो है ना इसको लगा लगा के भूल जाओ और पकौड़ों की तैयारी। अच्छा, देखो पानी काफी है इधर, देखो इसमें ये और डालो। हाँ बस बहुत है, बहुत है पानी, आ जाओ ये थोड़ा सा और डाल दो गाइस। जैसे मैं खुद बनाती हूँ ना तो अपने अंदाजे से डालती हूँ, मगर जब मैं किसी और से बनवा रही हूँ तो मैं क्या बताऊँ उसको।
अंदाजा तो मेरा मेरे पास होगा ना, इनके हाथ तो इनके पास है, जो हाथ लगा लगा के जो है वो खाने मेरी जान में ठीक है लज्जतें डाल रहे हैं। हटो, तुमको इतना नहीं पता कि इसकी सीटी इसके ऊपर देते हैं? मुझे क्या पता, बताओगे? देखा देखा, मास्टर शेफ को कुछ नहीं पता, ये सीटी तो सीटी इसके ऊपर। और चलो बाकी चीजें लेकर आओ, आके फ्रूट चाट बनाओ। अच्छा, इसके इसका और कौन सा स्टेप रहता है? पकौड़ों का सामान तैयार करो, पहले जल्दी करो जल्दी। आज गाइस बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं सिर्फ उसका स्टेप कौन सा रहता है वो मुझे बता दूं। हां, ये क्या है, घंटी खींचो उसको तो फिर चलती है ना, खींचो तो बंद हो गई। उसका क्या स्टेप है? इसका क्या स्टेप है? दाल का कर दिया ना बस, दाल रख दो मिनट के लिए। और गाइस लाइट गई हुई हम लोगों की, देखो आप लोग ये देखो जी क्या कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो गोलगप्पे कितने दर्जन लाए थे पहले तुम ये बताओ? दर्जन की दर्जन एक दर्जन लाए सेव कर, बस अपने बेटे के लिए लाए हो? ये हमारे लिए नहीं लाए। उसके बाद ये इसका मसाला वगैरह फ्रिज में रख रहे। चलो गाइस, ये मसाला वगैरह फ्रिज में रख रहे हैं। और भाई वो जो आपने प्याज काटा था वो तो हांडी के लिए काटा था, पकौड़ों के लिए कौन काटा? गाइस आज तो मेरी बैटरी लो हो गई है फुल, और हमने फिर से इसको जो है ना प्रेशर पर लगा दिया, क्योंकि पहले हम लोगों ने बाहर जाना था, बाहर का काम निबेड़ना था, तो वो निबेड़ के हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बड़ा शुगर खवातीन की तरह जो है ढक्कन देकर रख दिया, मगर इनको ये नहीं पता ढक्कन दोगे तो उबल के गिर जाएगी, पता कि नहीं पता, प्रेशर लगेगा वो बाहर आ जाएगी। और जरा आप आगे से अपनी कमरिया हटाएं ना, जरा हमको दिखाएं क्या कर रहे हैं। वाह वाह, आज तो बड़े फ्रूट वॉश हो रहे हैं, बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। दस अगर खाना अच्छा ना हुआ तो बता रही हूँ तो खा लेना, टिप नहीं मिलेगी, टिप नहीं मिलेगी, टिप नहीं मिलेगी, 10 रुपए का टिप नहीं मिलेगी। आज पहली दफा भैया बोले कि बाबा के तो हाथों में जादू है। आप लोग अगर सेब खाते हो ना, जो भी फ्रूट, फ्रूट को अच्छे तरीके से वॉश किया करें, इसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ओके बॉस, ये सब ये बच रहा है। ओ बस ओए, अब्बा तुम्हारा बना रहा है आज, वो बेचारा वो काम कर ले, बहुत बड़ी बात है। अब ये जेली भी ले आए हैं, जेली और वो कस्टर्ड बना के दो, हिसाब लगाओ, ये तो सोने पे सुहागे ही करके जा रहे हैं, मतलब हद है यार। बहुत मजे से बैठ के जो है ना ये आज गेम्स खेल रहे हैं, क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा था वो याद बात कर लिया दोनों बहन भाइयों ने, तभी लाइट बंद हुई भी इसकी गेम खेली जा रही है। हाँ, ये पता नहीं कौन सी बच्चों वाली गेम लग रही। खैर गाइस, अभी हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्याज इन्होंने काटा था थोड़ा सा, तो मैं तो बोलूंगी इसी को जो है ना उसमें डाल के पहले कर लो तुम। मैं जो भी काम करो ऐसे करो कि काम बोले, खुद बोले। हाँ क्या बात है, ये है किसी बंदे ने क्या काम बोले? हाँ पता है, ये है किसी बंदे ने। One eternity later, गाइस इनको गुस्सा आया, बचाओ मेरे को कोई। तो सीन पता क्या है, इसने ठीक है इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं ठीक है, और इसे वीडियो ऑन करने भूल गया। बदतमीजी नहीं करो, मैं मारूंगी बाल बाल है मैं मार। तो गाइस इतना मैं कुछ कर रहा था, ये देखिए ये कटिंग ऐसे करते, ये देखे ये देखे ये देखे ये देखे और ये देखे छोटे पीस कर। गाइस ये पता नहीं कौन कौन से उसे निकाल रहा था इसके ऊपर। गाइस मैंने इतनी बातें चीजें कर रहा हूँ तो तरफ नन्ना मियां जाग जाके देख ले जाके। और गाइस ये पता नहीं कौन कौन से उसे निकाल रहा था तरबूज के ऊपर, मैंने इतनी देर का रिकॉर्ड किया मगर मैं बटन ऑन करना ही भूल गई कैमरे का, और उसका गुस्सा ना इन्होंने निकाला। यकीन करो बैटरी इतनी लो गई है दिमाग मेरा चलने का, और उसके ऊपर से ना मैंने और उसके ऊपर से नन्ना मियां देखो क्या कर रहे हैं, सो के उठे और आगे लेट गए यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जुम्मी ना मुन्नो आजो 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 ना आजो आजो बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। सो गाइस ये मेरा जो है ना मेरे से मोए मोए हो गया वो इस चक्कर में कि मैं बटन ऑन करना भूल गई, कैमरा ऑन करना भूल गई, और जो ना काम खराब हो गया, इनके इतना सारे मोमेंट्स मेरी वजह से जाया हो गया। जी अब दूसरी डिश की बारी आ गई, कौन सी डिश की बारी आई ब्लॉसम? अच्छा मुझे बताओ ये छिलके समेत खाना पसंद करो छिलके के बगैर? ओए छिलका इसका बड़ा काम का होता है, छिलका नहीं काटने का बॉस, छिलके के अंदर ही तो सारा जो है इसका आयरन प्रोटीन सारा कुछ होता है भाई। छिलका तुम काटोगे क्या? लाइट को दौरा पड़ा है यार, ये बताओ मुझे किस शेप में काटूं, बारीक या मोटे मोटे? दरमियाने काटे ना, बहुत मोटे मोटे ना बहुत छोटे छोटे, दरमियाने काटे। ये देखिए इसके दो हिस्से मैंने किए, तीन करो, ये हो गया ना, ये देखिए। और ये देखिए इधर देखिए, वैसे गाइस आज इनके काम देख के मुझे लग रहा है इनको काम आता है, जानबूझ के करते नहीं है, पता चल गया मुझे जानबूझ के काम करते हैं। क्या यार लाइट को क्या है, जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, दिखाएं जरा मुझे इधर, जरा चेक करवाएं शेप कैसी काट रहे हैं, थोड़ा और पतला करें, एक कट और लगाए इसके अंदर। अभी आपको सही आता नहीं है ना? हाँ उस्ताद उस्ताद ही होते हैं। सही भाई, उस्तादियां बहानियां साडे नाल हैं। चुप करके काम करें नहीं तो मैं बताना गाइड करना बंद कर दूंगी। हाँ A few moments later. मैंने कहा जरा ना इसे मैंने कुकर को बंद कर दिया, इसकी सीटी उतारे, लेकिन ये जो काम है ना यकीन करिए बहुत डेंजरस काम होता है। अभी मुझे क्या चीज किससे उतारूं, है कोई चीज ऐसी देखता हूँ जिससे मैं आराम से उतार लूँ। अच्छा चिमटा की तरह मिल गया, ये चिमटे के साथ है ठीक है, तो गाइस बहुत मुश्किल काम होने लगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हैं अजीदा इसमें तो है कोई नहीं हवा, वो ये क्या
जिसमें तो प्रेशर की बचत होगी शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर ठीक है हमारी फुल्कियां जो ठीक है बॉयल हो चुकी हैं, इधर दाल को देखते हैं थोड़े टाइम तक, ये गोश्त निकाल के फिर हांडी स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। तो तकीमिया आप किधर आ रहे हो? हमारे तकीमिया ठीक है, ये देखें तकीमिया को नजर आ रहा है बाप शेफ बना हुआ है, तो हम भी शेफ पुना जाके करें। तो ये आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तो ये देख लो ठीक है, ये क्रेडिट खुद भी लेना चाहिए भाई, छोड़ दो मैं कर लूंगा। क्रेडिट नहीं ले रही भाई, तुम रख लो क्रेडिट, मेरे को जरा काट लेना जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, मेरे को लग रहा है मेरा रोजा ऐसी रह जाएगा भाई। तो ये देख लो ठीक है, इतना शुक्रिया हो रही है, मैं बना के दे रहा हूं सर, ये पहले दो ना, मैं तो सारा बस यही कर रही हूँ आपको काट के दे रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना काम, आज पकौड़े भी रहते हैं यार। चलो ठीक है आप ये काट लो, गाइए मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है, इसकी मेहरबानी शुक्रिया, आधा क्रेडिट मैंने दे दिया, मुश्किल है काम ये यकीन करो। तो ये चेक करो बिल्कुल बॉयल हो चुकी है, मैंने पानी से अलग कर दिया है, कुछ ज्यादा ही नहीं होगी, अगला स्टेप बताते हैं आपको। और दाल हमारी किधर तक पहुंची है चेक करते हैं, दाल हमारी थोड़ा सा टाइम, थोड़े टाइम में हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी ठीक है, बॉयल हो जाएगी, इसके बाद फिर मैं हांडिया स्टार्ट करूंगा, टाइम बिल्कुल कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से कमेंट्स भी करो। A few moments later, इधर मेरी जान ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, इधर इन्होंने फ्रूट चाट तैयार करवा दिया, आधा काम मैंने किया और आधा इन्होंने काम कर दिया, देख लो गुड, आपने मियां की हेल्प की, वेरी गुड। गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जल्दी जल्दी ठीक है जो बनाने हैं ना पकोड़े बनाने हैं उनके लिए प्याज कट करता हूँ, ये मेरे पास प्याज है ये मैं कट करता हूँ ठीक है। आज गाइस यहाँ पर ट्रक डालकर ब्लास साहब जा चुके हैं बाहर, अब देखते हैं हम क्या कर रहे हैं किचन में। चलो गाइस एक प्याज यहाँ पे कटा पड़ा हुआ है, एक मसाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ब्लास साहब खुद वहाँ पे खड़े हैं, और जो एक चीज की डिश मैंने इनकी मदद करवाई है फ्रूट चाट की। अरे मुझे बताएगा ठीक है, ये दही फुल्की में डालो? नहीं जी, इस दही के अंदर थोड़ी चीनी डालो, चीनी ये पकड़ो चीनी, तुम्हें तो डब्बों का भी नहीं पता होगा, चीनी होगी इसके अंदर, और इसके अंदर से चीनी निकालो, शाबाश निकालो, थोड़ी सी सांप की डालनी है दो तीन, ये मुझे पकड़ा दो। ये गाइस इन्होंने काट लिए हैं उसके प्याज, किसके भला किसके पकौड़ों के प्याज, देखना काफी ज्यादा कम है, थोड़ा सा और डालो, थोड़ी सी बस, और बस बस रे, शरबत तो नहीं ना बनानी, शरबत से ज्यादा है चीनी भी घोलनी है। अभी क्या करूं बता? अच्छा आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो और इसको अच्छे से बीट कर लो, बीट किससे करोगे इससे करना, ये लो अभी जिंदगी में इस्तेमाल किया तुमने, पानी काफी है? ओ तेरी हाँ, तो रुक यार ये क्या कर रहे, क्या भंड में भंड काफी है, ये देख कैसे कर रहे, चीनी भी इसने बहुत डाल ली है, ये देख करते तो ऐसे ही है, मगर गब्बरू की बोली चक्कर अरे भाई होश में आ जाए, क्या कर रहा है, टाइम कम है, टाइम ये भंड पे भंड कर रहा है, ये नन्हे मियां मेरे पांव पे चिपके हुए हैं, अच्छा नहीं दो मेरी बात सुनो, तुम कितने का दही लेकर आए थे यार? 50 रुपए का, 50 का कम, 30 का ज्यादा लग रहा था, अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा डालो ऐसे करके, बताओ ये दे दो, ये मैं ना ये पंगा नहीं ले सकती, बस बहुत है, चलो इसको पहले मिलाओ उसी के साथ, तकिए दे, तेरा बाबा क्या कर रहा है, बाबा क्या कर रहा है, बाबा खाने पका रहे हैं, थोड़ा सा और डालते हैं हम, few inches later, हाँ तो ये ऑयल डाल दिए, बताओ काफी है? हाँ बस 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 करो, ऑयल की गंगा ना बहा दो तुम, हाँ तेल भी महंगा है बॉस, सबर सबर, अभी इसको चमचा हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी दूसरा पकौड़ों का, हाँ तो पकौड़ों का, ये देखने से ये ठीक हो गया, बोल बोल के कबाड़ा हो गया इस बंदे के पीछे, ऐसे ऊपर से देख के मेरे को क्या पता लगेगा, हो रहा है ये भी ठीक, चलो गाइस ये लगे हैं अपना करने, अभी हम जो है ना ये पकड़ना जरा तुम, दो मिनट, लड़ गया इसका प्याज, लड़ गया ये प्याज ना, ये फीमेल थी जो आंखों में लड़ गई, यकीन करो पहले प्याज अभी, पहले अभी वो था मेल था अभी फीमेल हो गया, यकीन करो गाइस ये कोई प्याज जो भी था ठीक है, ये प्याज फीमेल थी जो मेरी आंखों में लड़ गई है, इस वजह से गाइस ये सबसे पहले वाला प्याज था जो उन्होंने काटा था, उन्होंने कहा था मेरी आंखों में ठीक है, मैंने कहा मेल प्याज आंखों में लड़ेंगे ठीक है, पालक ले लिया, हां पालक निकालो पर दो मिनट दे दो मेरे को, छुरी दे दो तुम, और गाइस ये देखिए मैंने चाट रेडी कर दी, बिल्कुल आधी आधा काम मेरा है इसमें ठीक है, बस वो सेबों को हाथ लगाया था, क्रेडिट ना देंगे ये मेरे को, और गाइस अभी मैं इसमें से थोड़ा सा प्याज लेके ना, इसमें क्या निकालना है, पालक इतना सा प्याज लेके मैं इसके अंदर स्प्रिंकल कर दूंगी जी, एक तो नन्हे मियां को सुकून बार बार आके कोई ना कोई अपनी डिमांड कर देते जी, बोलो क्या है मसला, ये गाइस पालक निकल आई है, पालक भी काफी दिनों की मैंने रखी हुई थी फ्रिज में, तो कोई बात नहीं पकौड़ों के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और तो गाइस बहुत अच्छा काम हो रहा है, बारीक बारीक काटना, मोटी मोटी डंडे ना काट देना क्या मुंह में आते थे, हाँ डंडे बिल्कुल काट दो, मसला नहीं है, डंडे कौन सा गल जाते हैं, और काट दो, खत्म कर डालो, पत्ते पत्ते चाहिए यार, जल्दी करो यार,
गाइस काटो, मैं यहाँ पे इनकी जो है ना ये देखूँ, ये देखें भूल के चले गए यहाँ से, सड़क बुझ के पड़ा हुआ हो काम। अब दोनों तरफ हमें नजर रखनी पड़ेगी, यहाँ भी वहाँ भी। हरी मिर्चें भी काटनी है इसमें, आलू भी काटने, क्या क्या काटना है। Few minutes later. Hey guys, तो इन्होंने जाना टमाटर प्याज का पेस्ट भी डाल दिया है हांडी के अंदर, हांडी का हिला और अभी ये पेस्ट डालने से ये होता है टमाटर मिर्ची वगैरह होती है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होते हैं, आपके ब्लड को ठीक है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। घर के खाने बहुत लजीज होते हैं, अगर ये हमारी ड्यूटी हो जाए तो हम भी हर रोज बनाया करें। आप अगर मैं इसको नहीं बना के दूंगी जितने लोगों ने खुद बनाएगा, तो गाइस इसका काम उसे साझी है, हम इन पंगों में घुसते नहीं है। नहीं मैं नहीं लूंगा, चल बस मैं नहीं लूंगा। और अभी देखें कैसे उछल उछल के बना, ऐसे उतरेगा। पीलर नहीं है किचन में क्या, पता नहीं ला के दो ना जल्दी, मुझे क्या पता हो, बंदे को पता होता कुछ नहीं है। चलो इनको हम पीलर ला के देते ताकि इनका काम आसान हो जाए। काम काम काम, ये पीलर है, ये लो ये लो बीड़ू कैच करो। और गाइस यहाँ पर देखो इसको घूमने की जिम्मेदारी हमारी, आलू की स्पीड चेक करें भाई, चेक कर रहे हैं आलू की स्पीड। मैं तो सोच रही हूँ मैं किसी ढाबे पे लगा दूँ आलू छीलने का पार्ट टाइम काम। ये दे मेरी जान है, ये जब हो ना ठीक है टाइम कम, तो उसे हम नखरे नहीं करते, काम 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 दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो हम करें आराम। हमारे कायदे ने बोला काम 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 सिर्फ काम, ये देखें कोई मुश्किल काम नहीं है, औरतें ऐसे नखरे करती हैं, ड्रामे करती हैं, घर में खाना नहीं बनता, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, एक मर्द हो के मैं क्या क्या काम करूँ, आप लोगों को देखो जरा, मेरे को देखो सब पूछ पूछ के। एक दिन का नशा है हाँ, अभी नमक मिर्च ठीक है ये डाल दिए, जितना से खाना है थोड़ा डाला मार डाल जल्दी टोका डाल ठीक है, तो अपने थोड़ा डाल लेते हैं, क्रेडिट तेरा भी आ जाए थोड़ा, ऐसे पीछे का तकी को पीछे ले जा, अच्छे से भूने ऐसे तकी को पीछे ले जा। Few inches later. तो इसमें मैं दाल ऐड करूंगा, ये मैदा मेरे हाथ में है, ये उसमें डालूंगा। पानी तो डालो और पानी डालो, सर पानी डाल के दाल ऐड करके दम पे लगा दो, वी आई पी हो जाएगी हंडी। और हाँ जल्दी कर देना, जल्दी करो नन्ना मियां, हम काम कर रहे हैं। हाँ इसके अंदर, हाँ इसके अंदर अब दाल डाल दो, ये दाल जल्दी से उसमें डाल दो, पानी बिल्कुल सही है भाई, सही है। इसको ढक्कन लगा दो, अब ढक्कन लगा दो, बस मिक्स करने का बहुत शौक है आपको, और जाना पा उसके अंदर बेसन के अंदर डालो यार, वो पकौड़े रह गए। मुस्तफ़ा अब तक धीरे धीरे मुझे तंग कर रहा है, तुम उड़ जाओ बाबा के साथ जाके हेल्प करो, चीनी घोलो जाके, शरबत घोलो, देख लो। हाँ पकौड़े नजदीक लग रहे हैं, पर ये क्या है सूखा सूखा है सारा, पानी डालो ना इसके अंदर, पानी डालो बीड़ू, और बिल्कुल ड्राई है ये तो, और तुमने बेसन भी कम डाला है, हाँ तो उसके अंदर बेसन और डलेगा, और डलेगा। और मुस्तफा आप क्या कर रहे हैं, मुस्तफा माशाल्लाह यहाँ पे शरबत बना रहे हैं, दिखाओ जरा, हाँ डालो डालो डालो, और डालो, और बस बस डाल दिया, बस करो ये आप रोस्टा बना के साथ में थोड़ा थोड़ा बना दे बेचे, पतला पतला करो, पतला है ये हाँ। छोड़ दो मैं काट देती हूँ तो गले में फंस जाएगा यार, ये तो बड़ा बड़ा काट रहे हो आप, ब्रीक काट में पकौड़े बना दो। चलो जी हाँ मैं एक और जिम्मेदारी देखो, तबड़ा बड़ा काट रहे हैं तो गले में फंसेगा, तो गाइस मैं काटती हूँ पतला पतला, बिल्कुल बारीक पतला पतला काटती हूँ। सो गाइस ये देखिए इसको मैं बता दूँ, सारे घर की तबाही फिर गई है क्योंकि आज बिलाल साहब किचन में आ गए। गाइस अब टाइम नज़दीक लग गया और अभी इनके पकौड़े जो है ना वो भी रेडी हो रहे हैं, कुछ बना बना नहीं है पकौड़ों में से, तकी को दे दो यार, हटो जरा आगे से। गाइस आज देखो आज लग रहा है ना कि जो है मर्द हज़रात ने किचन यूज़ किया, देखें जरा आप लोग, तो हटे जरा मैं तकी को जाना है, ये लो तकी, ये लो चिप्स पकड़ो खाओ, तो तकदीरों लैन को जो है ना ये पसंद आता है, आलू का चिप्स को हमने इनको दे दिया भाई खा लो आप। तो गाइस आपके भाई ने जितना भी काम किया है आपको पता अखीर ही किया, लेकिन ये मेरी हांडी नीचे लग गई है लेकिन मेरे को बहुत दुख हो रहा है, तो पैसा बर्बाद, और इधर मैं पकौड़े तल रहा हूँ और इधर ये बंदी ने क्या किया है, सारा को गाइड किया तो मैं और क्या करूँ, गाइड किया आपने, ओए रोजे से पहले रोजा क्यों खोला डफर चिड़ी रोजा। तो गाइस आपके भाई ने सालन भी बना दिया, सालन रेडी हो चुका है, खाने के बाद पता चलेगा टेस्ट का क्या, इसका कैसा इंशाल्लाह अच्छा टेस्ट होगा। तो आपके भाई ने पकोड़े वगैरह भी बनाए हैं, ये चेक कर लीजिए पकोड़े हैं, उसके बाद इधर शरबत दिखाओ मेरी जान, जरा शरबत आपको बताए कौन सा शरबत है, शरबत दिल बहार, ये देखो जरा ये धुमाणु वाला शरबत। अजीजा एक मिनट बेटा, रोज हो रहा सारा कुछ बना के खिला दो, अजीजा कैसा खाना लगा आपको, बहुत जबरदस्त बाबा ने नहीं खाया, पकौड़े कैसे हैं, सालन भी ठीक है आपको ऐसे पसंद आएगा, फ्रूट चाट कैसी है, वो तो मैंने है कैसी, हाथों मेरे लगे है ना, मतलब अच्छा धोना कैसा कटिंग किया मैंने, फिर कटिंग कैसा किया जी, अच्छा मुझे बताया पकौड़े कैसे हैं भैया, आए हाय 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 मेरी टीरे कैसा जादू है मेरे हाथ में। तो गाइस आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो जल्दी लाइक कर दो, इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल के आइकन को अपने जरूर क्लिक करना, इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, मेरी तो मत मानी गई यार, नहीं नहीं।